यह जनरल चेन है जो अभी अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वाइफ बहुत बड़ी खतरे में है क्योंकि एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा है। जनरल हर संभव प्रयास करता है लेकिन अपने वाइफ को उस मॉन्स्टर से बचा नहीं पाता है। तभी अचानक चेन की आंख खोलती है, उसे रियलाइज होता है ये एक सपना था। असल में चेन की वाइफ की मौत तो बहुत पहले ही हो चुका होता है। चेन फैमिली की पूर्वज पिछले 100 सालों से फॉग आइलैंड को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। इस दौरान उन लोगों ने बहुत सारे मरमेड को मारा था, इसलिए जनरल चेन को लगता है मरमेड ने इसका बदला लेने के लिए उसकी वाइफ को मारा होगा। बहुत समय से जनरल मरमेड को ढूंढ रहा होता है। आज उसे एक मरमेड दिखाई देता है। वो अपनी सोल्जर को अपने अपने पोजीशन में रेडी होने के लिए बोलते हैं, लेकिन बाकी लोग जनरल को बोलते हैं कि उन सबको मरमेड दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनते ही जनरल पानी में जंप करते हैं और मरमेड को ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, यानी कि मरमेड की दुनिया में। यहां उसे एक मरमेड दिखता है और वो देखते ही देखते पूरी इंसान में बदल जाती है। वो मरमेड बेहद खूबसूरत होती है। जब जनरल मरमेड को मारने जाते हैं, वो मरमेड अपनी जादू से जनरल को फिर से इंसानी दुनिया में भेज देती है। अब जनरल के हाथ में एक रेड शेल भी होता है। वो अब गवर्नर के पास आते हैं और बोलते हैं, मुझे ये रेड शेल समंदर के पास से मिला है, लेकिन ऐसा शेल तो किसी भी समुद्री प्राणी की नहीं है। 6 महीने पहले सी हॉस्पिटल में ऐसा एक रेड शेल वाला मॉन्स्टर लाया गया है। मैं उसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए सी हॉस्पिटल जाना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। गवर्नर जनरल को बोलता है, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता क्योंकि सी हॉस्पिटल के इंचार्ज मिंग के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे नहीं है। लेकिन जब जनरल जाने की बहुत जिद करते हैं, तब गवर्नर भी उसको जाने के परमिशन दे देते हैं। उसके बाद जनरल चेन और उसकी असिस्टेंट सी हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ जनरल सी हॉस्पिटल की इंचार्ज मिंग से मिलते हैं और उसे रेड मॉन्स्टर को दिखाने के लिए बोलते हैं। मिंग अपने स्टाफ के एक आदमी को इन दोनों को रेड मॉन्स्टर के पास ले जाने के लिए बोलते हैं। वो आदमी इन दोनों को रेड मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं। जनरल देखते हैं इस रेड मॉन्स्टर के पास सेम वैसे ही रेड शेल है जैसा उसको मिला था। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जनरल और उसकी असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है। ये लोग जाने के बाद मिंग गुस्से में बैठा हुआ था क्योंकि सी हॉस्पिटल में जनरल का आना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसके सामने एक जादुई आदमी आते हैं। वो मिंग से बोलते हैं, मैं टेमिंग वंशज का आखिरी मरमेड युग हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जनरल चेन पे गुस्सा हो और उससे बदला लेना चाहते हो। मैं भी आपकी मदद करूंगा क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से जनरल चेन को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी पूर्वज ने ही हमारी पूरी वंशज को मार दिया था। वही जनरल चेन और उसकी असिस्टेंट जब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी उसकी असिस्टेंट चेन से पूछती है, आप जब उस दिन मरमेड से मिलने गए थे वहाँ क्या हुआ, उसके बारे में आपने कुछ बताया नहीं। जनरल चेन उसको बोलते हैं, मैं जब उस दिन मरमेड से मिलने गया, मैंने उससे पूछा तुमने क्यों मेरी पत्नी को मारा, लेकिन वो बोली मैंने आपकी परिवार और बीवी को नहीं मारा है। उसके बाद वो मुझे रेड शेल दिखा कर बोली, ऐसी रेड शेल समुन्दर में कभी नहीं पाए जाते हैं। उसका मतलब एक ही है कि आपकी वाइफ और परिवार को रेड मॉन्स्टर ने ही मारा है, क्योंकि ऐसी रेड शेल सिर्फ उसके पास ही है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर युग आकर मेरे पे हमला कर दिया था। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरी शक्ति उसके सामने कम पड़ रही थी। तब उस मरमेड ने अपनी जादू से मेरी जान बचाई। जनरल चेन की पूरी बात सुनने के बाद असिस्टेंट उससे बोलती है, जनरल ऐसा तो नहीं कि मरमेड आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है। जनरल बोलता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अभी फिर से उस मरमेड से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद जनरल मरमेड से मिलने समंदर जाते हैं। वहाँ जब मरमेड उसके पास आते हैं तो जनरल उसे पूछते हैं, तुमने क्यों मेरी जान बचाई थी जबकि हमारी पूर्वजों ने तुम्हारी वंशज को मारा है, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो। वो मरमेड जनरल से बोलते हैं, मैं जब छोटी सी थी तब आपने मुझे देखा था लेकिन आपने किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताया। अगर आप बताते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता, आपकी पूर्वज मुझे मार देते, इसी वजह से मैं आपको अच्छा इंसान समझती हूँ। ये दोनों जब ये सब बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ मिंग और युग भी आ जाते हैं और मरमेड पे हमला कर देता है और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरल चेन मरमेड को भाग जाने के लिए बोलते हैं और खुद उन दोनों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन मिंग और युग उसको हरा देता है और उसको पकड़कर गवर्नर के सामने ले जाते हैं। गवर्नर जनरल से बोलते हैं, तुमने राजधर्म की अवमानना की है, तुम्हारी पूर्वजों ने मरमेड को पकड़कर 100 साल से राजधर्म कर रहे थे,
लेकिन तुमने आज एक मरमेड को भगा दिया। याद रखना, तुम्हारी पूर्वज की पूजा करने के लिए जो तुम्हें शाही गोल्डन प्लेट चाहिए, वो तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम उस मरमेड को नहीं पकड़ लेते। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है तुम उस मरमेड पर इतना दयाशील क्यों हो रहे हो, जिसने तुम्हारी वाइफ और बाकी बहुत लोगों को भी मारा है। जनरल बोलते हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस रियल कल्प्रिट की पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं जरूर उस मरमेड को पकड़कर अपनी चैन वंशस की नाम और गरिमा कायम रखूंगा। अब ये सारे लोग मरमेड को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं और प्लान के हिसाब से जनरल चैन को समंदर के पास बांधकर सजा दिया जा रहा होता है। ये सब जब मरमेड देखती है, वो अपनी जादुई शक्ति से जनरल को वहां से ले जाती है। वो देखती है जनरल की शरीर में बहुत सारे घाव हो गए हैं और वो कष्ट में है, क्योंकि मन ही मन वो जनरल को पसंद करती है, इसलिए जनरल की कष्ट उससे देखा नहीं जाती है, इसलिए वो अपनी जादुई शक्ति से जनरल की जख्म ठीक कर देती है, लेकिन इस वजह वो खुद कमजोर हो जाती है। जनरल चैन की जब आंख खोलती है, वो जाके मरमेड की सिर पर एक डिवाइस लगा देता है, जिससे मरमेड बंदी बन जाती है। उसके बाद वो मरमेड को मिंग और युग के हवाले कर देते हैं। मरमेड की सिर पर लगा हुआ डिवाइस की वजह से मरमेड को बहुत पेन हो रहा होता है, इससे जनरल भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है। जब ये लोग वहां से जा रहा होता है, तभी जनरल को समंदर किनारे एक इंसान की हाथ दिखाई देता है, जिसके अंदर उसे फिर से एक रेड शेल मिलती है। इसको देखकर जनरल पूरी तरह से समझ जाता है कि उसकी वाइफ और बाकी लोगों को भी रेड मॉन्स्टर ने ही मारा है, और उसको लगता है इन सब में मिंग का हाथ है, क्योंकि सी हॉस्पिटल जिसमें रेड मॉन्स्टर को रखा हुआ है, उसका इंचार्ज मिंग है। उसके बाद मिंग और युग मरमेड को सी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जनरल चैन गवर्नर के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मैंने मरमेड को पकड़ लिया है और चैन डायनेस्टी की गरिमा अटूट रखा है, आप मुझे चैन डायनेस्टी की शाही गोल्डन प्लेट दीजिए ताकि मैं पूर्वज की पूजा कर सकूं। ये सब सुनने के बाद गवर्नर जनरल को चैन वंशज की हॉल में लेकर जाते हैं और चैन को हॉल का दरवाजा बंद करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद गवर्नर जनरल को बोलते हैं, मैं तुम्हें आज एक गोपनीय बात बताता हूँ, चैन डायनेस्टी के अलावा कोई भी लोग मरमेड को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि मरमेड के पास एक हार्ट प्रोटेक्शन होते हैं जिसको तुम लोगों के अलावा कोई भी तोड़ नहीं सकता है। जब तुम उस हार्ट प्रोटेक्शन को तोड़ोगे और उन लोगों के हार्ट को कष्ट दोगे, तो उन लोगों की आंखों से आंसू निकलेगा, जिससे किसी की भी फेस को रिस्टोर किया जा सकता है, यानी कि वो सदा जवान रह सकता है। असल में तुम लोगों की पूर्वजों के काम यही था कि वो लोग मरमेड को मारकर मेरे लिए मरमेड की आंसू लाए, ताकि मैं सदा जवान रह सकूं। ये सब सुनकर हैरान होकर जनरल चैन गवर्नर से पूछते हैं, मतलब मेरे पूर्वज लोगों की रक्षा करने के लिए मरमेड को नहीं मारते थे, अपितु आपके लिए मरमेड की आंसू लाने के लिए मारते थे। गवर्नर बोलते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, जाओ अब उस मरमेड से मेरे लिए उसकी आंसू लेकर आओ। दूसरी तरफ मिंग और यू बात कर रहे होते हैं। अब जब मिंग ने उस मरमेड को पकड़कर सी हॉस्पिटल लेकर आ चुके हैं, उसे अब यूग की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो यूग को धोखे से जहर पिला देते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर से बात होने के बाद जनरल अब सी हॉस्पिटल आते हैं, जहां मरमेड को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। मरमेड जनरल से बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कहानी की अंत ऐसे होगी। ये बात सुनने के बाद जनरल भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि मन ही मन वो भी मरमेड को पसंद करते हैं। तभी वहां पर मिंग आ जाते हैं और चैन से बोलते हैं, तुम एक मरमेड को भी मार नहीं सकते। जनरल चैन गुस्से में मिंग पर हमला कर देता है और उससे बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं असली गुनहगार कौन है। इतने में ही वहां पर गवर्नर आ जाते हैं। जनरल चैन गवर्नर को बोलते हैं, ये देखिए रेड शेल जो मुझे हर खून के जगह मिला है, ये रेड शेल रेड मॉन्स्टर का है जो सी हॉस्पिटल में है, जिसका इंचार्ज मिंग है। जनरल की बात सुनकर गवर्नर अपनी सैनिक को बोलते हैं, मिंग को अरेस्ट कर लो और उसकी इंटरोगेशन करो। उसके बाद गवर्नर जनरल से बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मरमेड ने किसी की खून किया या नहीं, बस मुझे उसकी आंसू चाहिए, तुम कैसे लाते हो वो तुम पर है। गवर्नर के जाने के बाद जनरल गवर्नर की बात नहीं सुनता है, क्योंकि वो इनोसेंट मरमेड को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और वो उसे बेहद पसंद भी करते हैं, इसलिए वो उस मरमेड को बंधन से मुक्त कर देते हैं। मरमेड जनरल से बोलती है, आप ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जनरल उसकी बात नहीं सुनता है, वो उसको मुक्त करके पानी में ले जाते हैं, जिससे कि मरमेड पूरी तरह से हील हो जाती है। उसके बाद मरमेड जनरल से बोलती है, आप और आपकी परिवार को यहाँ पे खतरा है, आप लोग कुछ दिन के लिए मेरे साथ मैजिकल आइलैंड चलिए,
जब सब कुछ ठीक हो जाएंगे आप लोग यहाँ वापस आ सकेंगे। जनरल बोलते हैं, मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगा, तुम अभी जल्दी घर वापस जाओ, तुम्हें यहाँ खतरा है। यह सुनने के बाद मरमेड बोलती है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, चलिए हम दोनों मिलके इन बुराई का सामना करते हैं। उसके बाद दोनों चैन फैमिली के बाकी मेंबर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पहले से मिंग और बाकी सैनिक जनरल की परिवार वालों के ऊपर तलवार लगाई हुए होते हैं। मिंग जनरल से बोलते हैं, जल्दी से इस मरमेड को मार दो, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग मार दिए जाएंगे। लेकिन जनरल उसकी बात नहीं सुनते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ गवर्नर भी आ जाते हैं। मिंग मरमेड की तरफ एक डिवाइस फेंकते हैं और बोलते हैं, तुम जल्दी से ये पहन लो, नहीं तो हम जनरल को मार देंगे। जनरल मरमेड को बार बार ऐसा नहीं करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उस डिवाइस को पहन लेती है और जनरल से बोलती है, मरमेड जिंदगी में एक बार ही आंसू बहाती है, जिसके बाद मैं कभी इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी, आपसे मैं बात भी नहीं कर सकूंगी, मैं आपसे बस इतना कहूंगी, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं आपकी दुख नहीं देख सकती। ये सब बात सुनकर जनरल भी बहुत ही भावुक हो जाते हैं, वो भी मरमेड से बहुत प्यार करता है। इतने में ही मरमेड की आंखों से आंसू निकल आती है और वो इंसानी रूप में आने की शक्ति सदा के लिए खो देती है और उस मरमेड को सी हॉस्पिटल में बंद कर दिया जाता है। अब जब गवर्नर को मरमेड की आंसू मिल चुका होता है, वो जनरल चैन को शाही गोल्डन प्लेट दे देता है। उसको लेकर वो बहुत ही दुखी मन से जा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी प्यारी मरमेड को खो चुका था। तभी मिंग आके उसकी सिर पर तीर मारकर उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। ये बात का एहसास जब मरमेड को होता है, वो जेल तोड़कर जनरल के पास आ पहुंचते हैं और मिंग से फाइट करने लगते हैं और आखिरकार उसको मार देती है। मिंग मरने के बाद उसका चेहरा युग में बदल जाता है। असल में यही युग ही है, उस दिन जब मिंग युग को जहर पिला के मारने की कोशिश कर रहा था, तब युग ने ही अपनी जादुई शक्ति से उसको मार दिया था। युग को मारने के बाद मरमेड जनरल के पास आती है। वो जनरल को ऐसी हालत में देखकर रो पड़ती है। आखिर में वो अपनी सारी शक्तियां जनरल को दे देती है और जनरल को ठीक करने के लिए वो खुद को भी कुर्बान कर देती है। मरमेड की सैक्रिफाइस के कारण जनरल अब ठीक हो चुका होता है। वो गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर जनरल चैन को देख के पहले तो माफी मांगने की एक्टिंग करते हैं, परंतु पास में जाके उसको चाकू मार देते हैं। लेकिन मरमेड की पावर जनरल चैन के पास होने के कारण उसे कुछ भी नहीं होता है। इतने में ही गवर्नर भी देखते ही देखते रेड मॉन्स्टर का रूप ले लेता है और जनरल को बोलते हैं, मैंने ही मिंग के साथ मिलकर यह सब किया, हमने पहले असली गवर्नर को मारा, फिर मैंने उसकी जगह ले लिया, मुझे गवर्नर की रूप बनाए रखने के लिए मरमेड की आंसू चाहिए थी, जिसके लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये सब सुनने के बाद जनरल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रेड मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होता है, लेकिन आखिरकार जनरल चैन उस रेड मॉन्स्टर को मार देते हैं और इस राज्य में बुराई का अंत हो जाता है। जनरल चैन अपनी बाकी जिंदगी उस मरमेड की यादों के सहारे गुजरता है। ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी और एक्साइटिंग मूवीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्नैपी मूवीज।